आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हैश ब्राउन की रेसिपी, जिसे आप कच्चे आलू की टिक्की भी बोल सकते हैं। इसको बनाने में कम तेल और कम समय लगता है, साथ ही साथ आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये ठंडा होने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है और इसे चाय के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 5 से 6 आलू ले लिए हैं। इसे मैंने छीलकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। फिर हम किसी ग्रेटर या कद्दूकस की हेल्प से मीडियम साइज़ की तरफ से आलू को अच्छे से हमें घिस लेना है मीडियम साइज़ की तरफ से। यहाँ पर हमारे सारे आलू घिस चुके हैं। घिसे हुए कच्चे आलुओं को हम पानी में डाल देंगे जिससे ये काले ना पड़े। साथ ही साथ हम इसे 4 से 5 बार पानी से अच्छे से साफ भी कर लेंगे। फिर इसे एक छन्नी या कपड़े की हेल्प से हम आलुओं के सारे पानी को निकाल देंगे। चम्मच की हेल्प से हम आलुओं को प्रेस करते हुए उसका सारा पानी निकाल देंगे। आलुओं में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और इसी तरीके से प्रेस करते हुए हमें सारा पानी निकाल देना है। ग्रेट किए हुए आलुओं को हमें एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेना है। फिर हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच मैदा का ऐड कर लेंगे। आधे छोटी चम्मच काली मिर्च ऐड कर लेना है। आधे छोटी चम्मच हम चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। 1 छोटी चम्मच ऑर्गेनो या स्पीजर सीजनिंग ऐड कर लेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर लेना है। फिर इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथों की हेल्प से हम आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा सा आलू का मिक्सचर हमें हाथ में लेकर इसका ओवल या हैश ब्राउन का शेप दे देना है। अगर आपसे इस टाइम ये आलू की टिक्की बाइंड नहीं हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम शेप दे लेंगे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। आप इसका एक चौकोर शेप दे दीजिएगा। इसी तरह से हमें सारी टिक्कियों को तैयार कर लेना है। तवे पर हम थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर हम टिक्कियों को शैलो फ्राई करेंगे। तवे पर हम एक एक करके सारी टिक्कियों को डाल देंगे। इस टाइम पर गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए। फिर इसे हम 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर पकने देंगे। 8 से 10 मिनट बाद हम अपनी टिक्कियों को ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे। इस टाइम पर हमारी टिक्कियां एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। हम सभी टिक्कियों को ऐसे ही पलट लेंगे और दूसरे साइड से उसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इन टिक्कियों को ढककर हम दूसरे साइड से भी लो फ्लेम पर सेकने देंगे। यहाँ पर हमारी टिक्कियाँ दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों, तैयार है हमारे कच्चे आलू की टिक्कियाँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।